अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया तुम सबका नदर ब्लॉग के अंदर। तो आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, खैर खरीत से हो गए। तो यार आज मैं हूँ बाबू सर टॉप के बिल्कुल करीब एक होटल में रह रहे हैं, ठीक है। हम लोग मतलब इंजॉय ट्रिप बनाने आए हैं, तो हमारा रूम भी हमारे दो रूम है, एक ये है ठीक है, दो ये एक फुल साइज बेड है, एक सिंगल बेड है, एक उधर मेट्रेस है, एक इधर मेट्रेस, एक एक्स्ट्रा। तो मतलब है बड़ा अच्छी जगह, लेकिन एक दो मसले हैं बस, वो आपको बाद में पता चल जाएंगे। तो यार खैर अभी ना हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, ये हमारे पैकेज के अंदर ही है नाश्ता और डिनर, बाकी लंच आपकी मर्जी आप करें ना करें। तो अच्छा खैर अभी आ रहे हैं हमें जाना है बाबू सर टॉप पे, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होती है, लेकिन खैर है भाई टॉप पर जाएंगे, वहाँ से ग्लेशियर वगैरह देखेंगे। तो बस अभी नाश्ते का टाइम हो गया, सारे चले गए, मैं कहा मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ, तो उधर चलते हैं और नाश्ता करते हैं। चाय तो मैं दो दो ग्लास पीता हूँ आराम से अब मैं। इंशाल्लाह निकलेंगे बाबू सर टॉप के लिए, और अभी मुझे कंफर्म हुआ कि हम नरान में ही हैं, मतलब ये नरान है और यहाँ से इतना प्यारा माशाल्लाह प्यारा है ना पाकिस्तान, व्यू भी चेक करो उस्ताजी, ये देखो ये सारा व्यू है ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो खिड़की है बंद खुलती नहीं है, तो मतलब आप देख ही सकते हो अभी वहीं पर जाना है हमने, तो इंशाल्लाह ये देख सकते हो आप, बड़ा मज़ेदार सीन है। मैंने तो एक शर्ट जैकेट पहनी हुई है, ये शर्ट उसके अंदर भी एक और शर्ट पहनी हुई, देख ही सकते हो गए। तो बस अब नरा वहाँ बाबू सर टॉप जा के मिलते हैं, और मैंने सुना वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, इसलिए पानी की बोतल लेके रख रहे हैं एक्स्ट्रा। ऑफ टू बाबू सर टॉप, हाय हाय हाय, क्या ये हमारा होटल है? नहीं ये नहीं है, ओ भाई ये नहीं हमारा होटल, हमारा होटल है ये वाला, और ये भी नहीं है सॉरी हमारा होटल ये वाला। हाय अंदर से बड़ा अच्छा है, अंदर से बड़ा अच्छा स्टॉप आ गया फाइनली नरा। हाँ जब से हम पूरे टूर में आए हमारा पहला स्टॉप है जो अच्छा स्टॉप है, ये देखो अल्लाह अल्लाह क्या स्टॉप है भाई, नाइस। यहीं पे इतनी ठंड है, मैं सोचूं बाबू सर पे क्या होना है, ओए होए यहाँ पे मौसम प्यारा हुआ है ना कि क्या ही बताऊं। तो यार यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वॉइस का इशू हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि धूप वगैरह निकली थी, तो आपके भाई ने अपनी लेदर जैकेट उतार ली थी, पता नहीं 10-15 किलो की तो होगी वो। और यार ये ब्यूटी चेक करो यार, अल्लाह की कुदरत चेक करो। और भाई हमने उधर टॉप पर जाना था और मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था वहाँ इतनी ठंड होगी, मुझे पता तो था कि ठंड होनी है लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था। और बाकी व्लॉग इन्जॉय करो और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर करो तो यार यहाँ आपका भाई फिर वॉइस ओवर कर रहा है क्योंकि यार नॉर्दर्न एरियाज में हवा की वजह से ना जो है आपका वॉइस इशू हो रहा था, तो मैंने यहाँ बताया था इतनी यहाँ ठंड थी, और मेरी शक्ल देख के आपको पता चल ही गया होगा कितनी ठंड है, और मैं व्लॉग के लिए अपनी एनर्जी डबल कर रहा था लेकिन इतनी मेरे अंदर जान थी नहीं, ऊपर से तबीयत भी मेरी इतनी ख़राब हो रही थी और मेरी टोपी भी कहीं गिर गई थी सर वाली। Oh
आप लोगों ने 100 रुपए की छली खाई है, 100 रुपए की मैं पहली दफा छली खा रहा हूँ। लेकिन 100 ठीक है यार, बाबू सर टॉप पे छली आपको मिल रही है, 100 तो ठीक है, 60-70 की तो वैसे ही है। सही है। उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे। जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो। से जो है ना, क्या नाम है, बाबू सर टॉप से आ गए थे वापस नरान आके, हम घंटा एक रेस्ट किया हमने। तो अभी हमारी बिरयानियाँ आ रही है, बिरयानियाँ आपको दिखाते हैं क्योंकि बड़ी भूख लगी हुई है। और अभी मैंने वही कपड़ों जैकेट उतारी, शॉल पहनी, अब बिरयानी आती है तो आपको दिखाते हैं। रायता वगैरह तो आया, बिरयानी आ गई, बहुत ही चाहिए, थोड़ी सी चख के देखते हैं किस तरह की सही है। खा लिया, अब उसके बाद हम लोग इधर एंजॉय करें फुल रोड पे अपने। ये नरान ही है, ये देखो बाइक और सारे बाइकर बॉयज हैं भाई ये लोग। हम भी यार, मैं कोशिश करूँगा अगले साल आए 1-2 अगले साल तो नहीं, खैर मतलब थोड़े प्लान बना के कभी 4-5 साल बाद। तो ये होटल है इधर सारे, हमारा इधर है ठीक है, हम बाकी ये सारा सीन है। तो आपका भाई यार इंजॉय कर रहे शॉल पहन के पूरा। ये सामने मेरा भाई जा रहा शेरा। रात को जो है ना, मैं आ गया था वहाँ से बाबू सर टॉप से, इतने मेरे सर में डर था कि ब्लॉग तो क्या, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन रात बिरयानी थी तो वो शायद मैं आपको दिखाया हो या नहीं दिखाया मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि अगर हुआ तो फिर मैं यही ऐड कर दूंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा। और यार आप लोग सोचोगे कि रात को क्यों नहीं ब्लॉग एंड करते, यार यहाँ की जो रात है ना, आप जब इतना थके होते हैं तो मतलब समझ लो सिटीज़ की 2 दिन की थकावट इतनी है यहाँ की थकावट। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, आई होप आपको मज़ा आएगा। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।